हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 10, फार्माकोग्नोसी डी फार्म फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 5 का एंटी मलेरियल्स, जिसके अंदर हमें दो हर्ब्स पढ़ने हैं, या कह लो दो पौधों के बारे में पढ़ना है, सिंकोना और आर्टिमीसिया। ठीक है ना? एंटी मलेरियल नाम क्लियर होगा, सिंपल है, मलेरिया को मारने वाले एंटी मलेरियल हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ रखे हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो कह रहा है, तो शुरुआत में कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। एंटी मलेरियल मेडिकेशंस क्या होती है? एंटी मलेरियल मेडिकेशंस, तो एंटी मलेरियल मेडिकेशंस और सिंपली एंटी मलेरियल्स आर अ टाइप ऑफ एंटी पैरासिटिक केमिकल, पैरासाइट को मारने वाला। हमको बहुत अच्छे से पता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है ना? नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखे हैं, निकाल लो उनको, और अगर नोट्स निकले हुए हैं तो सामने रख लो। वही सारी बातें मैंने यहां पर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ और अलग से है भी नहीं। पैरासाइट होता है, ठीक है ना, प्रोटोजोन होता है, सारी बातें डिस्कस करी है। तो ये पैरासाइट है, एक ऐसा केमिकल है जो पैरासाइट को किल करेगा। ठीक है? तो लिखा हुआ है एंटी पैरासिटिक केमिकल, पैरासाइट को मारने वाला। दे आर ऑफन नेचुरली डिराइव्ड, कुदरती तौर पर मिल जाते हैं, नेचुरली डिराइव्ड है ये, हमें आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है। दे यूज टू ट्रीट और टू प्रिवेंट मलेरिया, ये मलेरिया और को ठीक करने के लिए और उसको रोकने के लिए इस्तेमाल में किए आ जाते हैं। ये वही तीन लाइनें हैं जो तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगी, पुराने वाली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, और अब भी वही चीजें हैं। ठीक है ना? एंटी मलेरिया ड्रग्स की बात करें तो मे बी यूज टू ट्रीट मलेरिया इन थ्री कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल, तीन तरह के लोगों में हम लोग मलेरिया ठीक करने के लिए एंटी मलेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, दोज विद सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड इन्फेक्शन, दोज विद सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड इन्फेक्शन। कहना क्या जाता है, जिसको शंका हो कि है, हो सके मलेरिया है, और किसी को कंफर्म हो कि मलेरिया है ही, उनके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोज विजिटिंग अ मलेरिया एंडेमिक रीजन, ऐसे एरिया जैसे अफ्रीका वगैरह, जहां पे कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, आप जाओगे तो मलेरिया होगा ही होगा आपको। तो ऐसे एरिया जहां पर मलेरिया एंडेमिक रीजन हो, आप वहां गए हो किसी काम से, जॉब के पर्पस से, किसी और पर्पस से, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको मलेरिया होगा। तो पहले से आपको ये डोज देना स्टार्ट कर दी जाती है। हु हैव नो इम्यूनिटी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन वाय मलेरिया। ठीक है? तो हमारे पास उतनी इम्यूनिटी नहीं है कि मलेरिया आके काटे, मच्छर काटे और हमें मलेरिया ना हो। तो एज अ प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तौर पर हम लोग देना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ चुके हैं पहले ये चीज, सेम चीज रिपीट कर सकते हो उस लेक्चर को भी। इन ब्रॉडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन रूटीन बट इंटरमीडिएट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। अब बड़े ग्रुप में देखा जाए, जैसे नेचुरली अपने इंडिया में ले लो, ठीक है ना? तो क्या है, हम लोग रूटीन तौर पे कि जब मलेरिया का सीजन आता है तब खाली मलेरिया की दवा, ताकि मलेरिया अगर मच्छर काटे भी तो मलेरिया हो ना। ठीक है ना? तो प्रिवेंटिव तौर पर इंटरमीडिएट, बीच बीच में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट जो प्रिवेंट रोकथाम करेगा इन अ रीजन वेयर मलेरिया इज एंडेमिक वाया इंटरमीडिएट प्रिवेंटिव थेरेपी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें जनरल हम पहले भी कर चुके हैं, एंटी मलेरियस क्या होते हैं। फॉर डिटेल, और डिटेल जाननी है इसकी, कहां जाओगे? सी चैप्टर नंबर 11, लेक्चर नंबर 5 ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने एंटी मलेरियल्स को डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है? और डिटेल में जाना तो हम यहां पर इतनी बातें डिस्कस करेंगे। सीधा आते हैं अपने प्लांट्स को लेकर के, जिनके बारे में हमें खास तौर से डिस्कस करना है। क्लियर? तो पहला है सिंकोना। कुछ प्लांट ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है? इसकी छाल अगर काटोगे या निकालोगे तो कुछ छाल कुछ ऐसी होती है, ठीक है? इसी छाल को बुरादा बना करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो और देखो क्या कह रहा है ये। तो क्या कह रहा है, सिंकोना इज अ जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है ये, ध्यान रखना, ठीक है ना? ऑफ फैमिली रूबिएसी, रूबिएसी फैमिली का है, फ्लावरिंग प्लांट है, फूल आते हैं इसके ऊपर। द बार्क, बार्क मतलब जिसके ऊपर की छाल होती है। ऑफ सेवरल स्पीसीज, कई सारी स्पीसीज की यील्ड क्विनिन, पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या पाया जाता है इसके अंदर, क्विनिन पाया जाता है, एंड अदर एल्कलॉइड, कुछ और एल्कलॉइड पाए जाते हैं। डेट वर द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगेंस्ट मलेरिया इन ओल्डर डेज, पुराने दिनों में केवल यही, इसी की छाल ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो मलेरिया से लड़ने में क्या थी, सक्षम थी। कुछ और हमको पता ही नहीं था, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं कि दवाइयां बना लें उस समय, पौधों का इस्तेमाल होता था। क्लियर है? सिनोनिम की बात करें तो जेसिट्स बार्क, ठीक है, पेरुवियन बार्क, ठीक है, कैलिसिया
कैलिसया बार्क, इसके नाम से ये काफी फेमस है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है इनके। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें अगर हम लोग तो क्या कह रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड बार्क। सूखा बार्क होगा किसका, सिंकोना कैलिसया या कैलिसाया सिंकोना सुसिरुबा। देखो कुछ लोग इसको पढ़ेंगे सक्सिरुबा, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लकीर का फकीर नहीं बनना है हमें, वो याद होना चाहिए। तुमने कैसे भाषा में याद होगा तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग पढ़ेंगे चिंकोना, कोई पढ़ेगा सिंकोना, कोई पढ़ेगा सिंचोना, फर्क नहीं पड़ता हमको। हाँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, बट हम ऐसा प्रोनाउंसिएशन से याद करेंगे कि वर्ड की जो स्पेलिंग लिखे तो गलत ना हो। जैसे कि अगर तुम सिंचोना से याद करते हो तो कभी गलत नहीं लिखोगे, तुम्हें तो पता है सिन और चा में सी एच आता है सिंचोना। सिंकोना में अगर तुम्हारा थोड़ा सा वीक है पॉइंट इंग्लिश में कहीं ना कहीं, तो सिंकोना में कहीं ना कहीं तुम सी या के को जोड़ सकते हो, अब सिंचोना हो गया, ठीक है ना। कालीसाया थोड़ी कॉमेडी भी हो जाएगी, है ना, कालीसाया। इस तरीके से याद करोगे तो बायोलॉजिकल नेम अच्छे से याद होंगे। फिर कह रहा हूं मैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अच्छी बात है, बट कहीं रिप्रेजेंटेशन देना है तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। अगर आपको याद करके पेपर में जाकर लिखना है तो हम ऐसा प्रोनाउंसिएशन से याद करेंगे जो हमको याद रहे, ठीक है। फिर आ गया सिंकोना। अब इसको जैसे आप कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा सक्सिनिक एसिड एक एसिड होता है, तो कुछ कहेंगे सर ये तो सक्सिरुबा हो गया, कुछ कहेंगे सर ये सुसिरुबा हो गया, तुम्हें कैसे याद होता है ये, वो चीज मैटर करती है। बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर है। सिंकोना लेजरियाना ऑफ फैमिली रुबिएसी, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे लेजर, लेजर होते हैं लेजर एक किताब होती है, इयाना लेजरियाना, कुछ लोग पढ़ेंगे लेड जेरियाना, लेड जेरियाना। तो डिपेंड करता है कि तुम लोगों को कैसे याद होता है, फिर कह रहा हूं याद करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्लियर होगी बातें। ओके आगे आते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लगभग 25 अल्कलॉइड होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लें तो क्यूनिन क्यूनिडीन सिंकोनिन सिंकोनिडीन क्यूप्रीन हाइड्रोक्यूनिन और क्यूनिक एसिड, ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो पाया जाता है। क्यूनिन तो याद ही हो गया होगा, हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा था, क्लियर है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी, सबसे पहले तो एंटी मलेरियल है ही है ये। स्टोमेकिक है, भूख को बढ़ाता है। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, हार्ट की प्रॉब्लम। कार्डियक डिप्रेशन है ये। प्रिवेंट एरिदमियास, हार्ट की प्रॉब्लम पड़ चुकी है हम लोग। और एंटी पायरेटिक, बुखार भी कई बार ये कम करता है। क्लियर है बातें, क्लियर है, चले आगे। ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिमीसिया। आर्टिमीसिया का पौधा शायद कुछ लोगों ने देखा हो, सब जंगल में पाए जाते हैं। इसका ना फूल होता है कुछ ऐसा, इसका फूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लो नेट पर सर्च कर लो, लाइव देख सकते हो यूट्यूब पे जा करके, जैसे मेरे चैनल को देख रहे हो, डाल दो आर्टिमीसिया लाइव, तो उसमें कोई ना कोई होगा जो आर्टिमीसिया गार्डन में मतलब ले जाकर के तुमको दिखाएगा कि हाँ कैसा कैसा क्या होता है, लाइव देख सकते हो, ठीक है ना। हमें ज्ञान अर्जित करना है, कहां से हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। ओके आगे आते हैं, तो क्या कह रहा है, आर्टिमीसिया हैज अ डाइवर्स जीनस, इसके कई सारे विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के जीनस हैं ऑफ प्लांट विद बिटवीन 200 to 400 स्पीसीज, लगभग 200 से 400 प्रजातियां हैं इसकी। बिलोंगिंग टू द डाइजी फैमिली, जिसको हम लोग एस्ट्रेसी कहते हैं, ठीक है ना, डाइजी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ लेता है, डाइजी फैमिली एस्ट्रेसी, क्लियर है। कॉमन नेम की बात करें तो वेरियस स्पीसीज इन द जीनस इंक्लूड, कॉमन नेम कह लो सिनोनिम कह लो कहीं ना कहीं आ जाता है, तो मगवॉर्ट वॉर्मवुड एंड सेज ब्रश के नाम से इसके कॉमन नाम है जो फेमस है ये। आर्टिमीसिया कंप्राइजेस हार्डी, हार्डी मतलब हार्ड ठोस, हर्बेसियस, हर्ब मतलब मैंने बताया था हर्ब, देख रहे हो जैसे धनिया होता है, लकड़ी नहीं है इसमें लेकिन ठोस है, ये जो बीच की टहनी देख रहे हो ये लकड़ी वुडी नहीं होगी, ब्राउन कलर की नहीं होती है लेकिन ठोस होती है, टाइट होती है काफी। एंड श्रब, श्रब है ये, श्रब कहते हैं ना हम लोग, क्योंकि जो बिल्कुल हर्ब में आया था, हर्बेसियस प्लांट एंड श्रब दोनों कैटेगरी में आया था ये। हर्ब कहें बिल्कुल धनिया जैसी चीज है, वो बिल्कुल प्योर हर्ब में आ जाती है। अब थोड़ा सा टफ भी आ गई इसके अंदर, तो हर्ब और श्रब दोनों कैटेगरी में ये चला आ रहा है, ठीक है ना, ट्री हर्ब श्रब इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लियर है। तो आर्टिमीसिया कंप्राइजेस हार्डी, थोड़ा टफ है, हार्ड है, हर्बेसियस प्लांट्स एंड श्रब्स, इसके अंदर हर्ब्स और श्रब्स दोनों काउंट किए जा रहे हैं। मोस्ट स्पीसीज हैव स्ट्रॉन्ग एरोमास, काफी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, खुशबू, ठीक है, एंड बिटर टेस्ट, खाओगे तो कड़वा लगेगा, बिटर मतलब कड़वा, फ्रॉम टर्पिनोइड, ऐसा क्यों होता है, बिटर टेस्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ टर्पिनोइड, देखो यहां पे केमिकल भी याद हो गया, एंड सेस्क्यूटर्पिन, सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन्स, इसकी वजह से थोड़ा सा कड़वा लगता है,
विच डिस्करेज हार्बीवरी। हार्बीवरी मतलब हार्बीवर कौन होते हैं, जो हर्ब्स को खाते हैं, घास को खाते हैं, है ना, ऐसे पौधों को खाते हैं, कौन, गाय भैंस। अब क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा होता है, तो अगर कहीं पे इन्होंने गलती से खा लिया है, कहीं मान लो उगा हुआ है और गाय भैंस ने थोड़ा सा खा लिया, तो तुरंत पता चल जाएगा यार ये पौधा तो कड़वा है, उसने कहना भैया मैं नहीं खाऊंगा आगे से इसको। तो डिस्करेज, डिस्करेज मतलब निराश कर रहे कि नहीं इस पौधे को नहीं खाना है, अपने आप को बचा लेता है। ये कहीं ना कहीं एक मेथड भी होता है अपने आप को हार्बीवोर एनिमल, जो घास चरते हैं ऐसे जानवरों से बचाने के तरीके खुद इजाद कर लेते हैं पौधे कि हमें कोई खाए ना। ठीक है, क्लियर है बात है ये। तो डिस्करेज हार्बीवरी कौन करता है, बिटर टेस्ट, जो कि किसकी वजह से होता है, टर्पिनॉइड्स एंड सेस्क्यूई टर्पीन्स। क्लियर है, आगे आए बायोलॉजिकल सोर्स। इट इज अनएक्सपेंडेड, जो एक्सपेंड नहीं हुआ है, ठीक है, जो खुला नहीं है, मतलब अनएक्सपेंडेड, जो पूरी तरीके से फैल नहीं पाया है। फ्लावर हेड, फूल का सर होता है, ऑफ प्लांट आर्टिमेसिया साइना बर्ग, ठीक है ना, बर्ग क्या हो जाएगा यहां पर, उसकी साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा। दूसरा क्या है, आर्टिमेसिया ब्रेविफोलिया, ब्रेविफोलिया इसको ना किस साइंटिस्ट ने दिया था, वॉल, और आर्टिमेसिया मैरिटीमा, अच्छा लिन, लाइनस। ये साइंटिस्ट के नाम याद ना रहे तब भी एक बार एग्जाम में चल जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली जो नाम होते हैं फिर बाद में मॉडिफाई वगैरह होते हैं, तो वो साइंटिस्ट का क्या आता है, नाम आया था कि किसने ये नेमिंग कर रखी है, तो साइंटिस्ट के कई बार नाम साथ में जोड़ दिए जाते हैं। ओके, तो ये नाम अगर ना याद रहे चल जाएगा, इनका मेन नाम क्या रहेगा, ये रहेगा। क्लियर है, हर किसी में बताता आ रहा हूं मैं, क्लियर है। फैमिली कौन सी, एस्ट्रेसी है। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दो ही है इसके अंदर, सेंटोनिन और आर्टेमिसिन या आर्टिमिसिन, ठीक है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो क्या है, एंटी मलेरियल तो है ही, मलेरिया में काम आता है, फीवर में भी काम आएगा, इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है, ठीक है, हेडेक सरदर्द को दूर करेगा, और ब्लीडिंग हो रही होगी तो उसको भी कम करता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, थेरेप्यूटिक एफिकेसी। क्लियर है, ओके। तो ये हमारे पास टॉपिक खत्म होता है, कौन सा, एंटी मलेरियल्स, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, पढ़ पढ़ के रिवाइज करना है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कोर्स को जल्दी से खत्म करके, कॉग्नोसिस तो हो जाएगा, फिर तुम्हारे रिवीजन वगैरह सब कुछ बीच में करता रहूंगा, परेशान ना हो। ये अप्रैल अप्रैल में मेरी कोशिश रहेगी पूरी कि तुम्हारे जितनी भी चीजें हैं, कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, डाउट सारे मैंने सुन लिए बच्चों के, ठीक है ना। थोड़ा सा बहुत बिजी हो गया इस समय में, थोड़ा सा कुछ और ही प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं अभी सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन परेशान ना हो, सबकी क्वेरीज मेरे पास हैं। चैप्टर 4 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मुझे याद है, ठीक है, कॉग्नोसिस का कोर्स पूरा कराना मुझे याद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं मुझे याद है, ठीक है, परेशान ना हो। मैं बस थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी, तो अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इसको, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर एक एक दो दो डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी, चाहे मेरे को अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़े, इस पूरी अप्रैल से पहले जितनी भी तुम लोगों की क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक छूटा हुआ है, जो भी कुछ है, सब कुछ खत्म करा दूंगा, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के पढ़ाता जा रहा हूँ, वो चीज जो पढ़ लिया है उस पे कमांड करो, वो ना गलत हो जाए। जो अभी आने वाला है उसके लिए परेशान मत हो, वो आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जो बोल दिया मैंने, देखो दो चीज के लिए बोल दिया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पूरी और कॉग्नोसिस पूरी, ये पक्के से पूरी करा दूंगा। बाकी की अभी नहीं बोल सकता क्योंकि एग्जाम पास में है, मैं भी खुद कई बार बहुत ज्यादा बिजी हो जाता हूं, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए अभी नहीं बोल सकता मैं। ये तो पक्के से करा दूंगा और कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से करा पाऊं, लेकिन उसके लिए प्रॉमिस अभी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ दो के तो पक्का करा दूंगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के और कॉग्नोसिस के। क्लियर है, जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर करके उसके ऊपर कमांड करो, जो अभी आएगा उसको उसमें ऐड करते चलना, ये नहीं कि जो अभी नहीं पढ़ा उसके लिए परेशान हो जाओ, पिछला पढ़ो ही नहीं। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। तो क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। ऑल द बेस्ट।